वृषभानु के घर संतान भई, वृषभानु के घर संतान भई, आनंद की घड़िया नई नई छाई सारे ब्रज में। लंबे केश, गुलाबी गाल, पैरों में पायल सोहे, ऐसी चले वो मधुर सी चाल। श्री कृष्ण है जिनके बिना अधूरे, रूप माधुरी श्री राधा रानी जी है उनका नाम। बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्म दिन लाली को। दिव्य तथा अलौकिक सुंदरता से पूरे जगत को मोहने वाली वो श्री कृष्ण प्यारी राधा रानी जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी है, जिनके दर्शन से भक्तों का जीवन सुखद एवं मंगलमय हो जाता है। आज श्री राधा अष्टमी की मधुर बेला पर कृष्ण भक्त अत्यधिक उत्साह व हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाती है। वह श्री राधा रानी जी को अपनी श्रद्धा व आस्था से प्रसन्न करती हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली राधा अष्टमी का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन भक्तगणों को विशेषतः श्री राधा रानी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी सुमिरन अवश्य करना चाहिए। इससे मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, वो मनुष्य धर्म के पथ की ओर अग्रसर होता है। पूजन। आज के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर मंडप बनाएं। अब उस मंडप के नीचे तांबे का कलश स्थापित करें। इसके पश्चात तांबे का पात्र रखें और इस पर श्री राधा जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात श्री राधा जी का षोडोपचार सहित पूजन करें। अब विधि पूर्वक पूजन करके पूरा दिन उपवास रखें। अंततः अगले दिन प्रातः काल उठकर दान प्रदक्षिणा के पश्चात व्रत का पारण करें। इस प्रकार विधिवत पूर्ण उपासना से श्री राधा रानी व श्री कृष्ण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं व भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं।